एसी जो होता है उसका एक होता है आउटडोर यूनिट, बाहर बार अगर होता है उस आउटडोर यूनिट में ना एक पंखा होता है। गौर कीजिएगा एसी को, ठीक है, ये पंखा हो गया यहां पर, बारवा होता है एसी, आउटडोर यूनिट आउटडोर बाहर रहता है, इसमें ना पाइप रहता है बहुत ज्यादा ऐसे घुमा घुमा, एगो हड़िया रख ले रहता है, पतुकी गोल पतुकी ऐसे रहता है, उसमें पंखा एगो अलगे नचते रहता है, कंप्रेसर बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे कंप्रेसर। अब ये जो है ना, ये जो एसी है यहां पे जो चल रहा है, ये हवा को खींचता है, जो अंदर रहता है एसी ना हवा को खींचता है, उसके ऊपर जाली है, हवा को ऊपर से क्या करता है खींचता है, और खींचेगा कैसे भाई, पंखवा बाहर चलेगा यहां से, हुआ खींच के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, खींच के यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसमें जब ये अंदर की हवा को क्या करेगा खींच ले जाएगा, अंदर क्या करेगा खींच ले जाएगा, और ये जो पतला पतला पाइप है इसी के रास्ते गुजारेगा उस हवा को, क्या करेगा पतला पतला पाइप है उसी के रास्ते हवा को क्या करेगा गुजार देगा। अब इस पतले पाइप में फ्रियॉन गैस भरा हुआ है, कौन सा गैस है फ्रियॉन, इतना ठंडा होता है कि हाथों पर रखिएगा तो हाथों आपका काम करना छोड़ देगा, फ्रियॉन गैस। अब वो जो हवा फ्रियॉन गैस से टकराएगी ना तो एकदम ठंडा हो जाएगी, क्या हो जाएगी एकदम ठंडा हो जाएगी। अब वो जब एकदम ठंडा हो जाएगी तो आप लोग जो सांस छोड़े रहेंगे, एक्स्ट्रा जो नमी छोड़ दिए हैं, सांस में एक्स्ट्रा नमी होता है, भाप होता है, तो सबको क्या करेगा घींच लेगा, वो क्या करेगा घींच लेगा, और जब वहां से टकराएगा तो देखिएगा वहां टॉप टॉप पानी गिरते रहता है, वो सबका ये रिजेक्टेड एयर है, बहुत खराब होता है, समझ बहुत खराब होता है, इन्हें गोई में धके आटा सान दे एसी से निकल, सोचिए सबका वेराइटी का जो आर्द्रता है सब लेके गया है, उसी से फ्रियॉन एसी टोटली डिपेंड करता है फ्रियॉन गैस पर, क्योंकि अब जब वो अंदर हवा फेंकेगा ना तो किससे टकरा के फेंकेगा फ्रियॉन गैस, और उसमें अंदर इतना पाइप गया है ना कि फ्रियॉन गैस से टकराते हवा क्या हो जाती है एकदम ठंडा हो जाती है, एकदम क्या हो जाएगी ठंडा हो जाएगी, और फिर जब वो नीचे से वापस फेंकेगा तो वो हवा किससे टकरा के आई हुई है फ्रियॉन गैस, किसे फ्रियॉन। अगर गलती से किसी एसी का जो पाइप गया है ना, वो देखो जो पाइप गया रहता है एसी में से, देखो धोधड़ पाइप गया है किसी भी एसी में, देखिएगा ऊपर पाइप गया है, पाइपों में क्या भरा हुआ है फ्रियॉन गैस, वहां उससे तो गैस आने जाने के लिए वो रास्ता है, इसी के रास्ते ऊपर जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें कौन सी गैस भरी होगी फ्रियॉन, इसमें जो हवा आ रही है पाइपों से वो किस गैस से टकरा के आ रही है फ्रियॉन। अगर कंप्रेसर के पास हम नट खोल दे और सारा फ्रियॉन गैस बाहर कर दे तो एसी बन जाएगा पंखा, एसी बन जाएगा पंखा, हवा लेगा फेंक देगा, हवा लेगा फेंक देगा, लेकिन ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि एसी ठंडा किसकी मदद से करता है फ्रियॉन गैस, किसे फ्रियॉन गैस, समझ आ गया कि नहीं आ गया। फ्रियॉन गैस क्या आता है, महंगा आता है, महंगा आता है। अब एसी तो हो गया भैया फ्रियॉन गैस महंगा, अब सब लोग एसी अफोर्ड नहीं करेंगे, बिल भी बहुत तगड़ा आता है एसी का, समझ आ गया कि नहीं। लड़की लोग आप लोग दहेज में ना एसी लेके चल जाइएगा, एक साल में जितना का एसी है ना उतना तो दहेज निकाल देगा बिल, समझ में उतना बिल निकाल देगा, और ले जाके सास के कमरा में लगवाना है, डिप्लोमेसी समझो। और जब आपको एसी की हवा चाहिए तुरंत सास को बैठेगा, अरे मम्मी आपको पसीना हो गया, बैठे बैठे चालू करो, अरे बाप रे बैठा लो, हो अम्मा इतना पसीना है, समझ में गया, गोड़ और दबाते रहना है, समझ में गया कि एकदम खुश, कहा पतो मम्मी ले ले हो, आह डिप्लोमेसी, दिस इज डिप्लोमेसी, आप लोग समझ आ रहे हैं। वो गलती नहीं करना है जो देवसेना की थी और जो शिवगामी देवी की थी, मुंह पे धक्का, आपका लड़का बैल है, बल्लाल देव को कहती कि तुम्हारा लड़का बोका है, नहीं समझ आया, ऐसे नहीं बोला जाता है ना, गलत बात है, डिप्लोमेसी क्या होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए आप लोग के पास। अब एक बात बताइए, हमें फ्रियॉन गैसवा हटा दे जा, कंप्रेसर तूर दिए तो क्या हो जाएगा पंखा बन जाएगा, क्या बन जाएगा पंखा, लेकिन कंप्रेसर रहेगा तो काम करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें जो नचाने वाला इसको होता है वो क्या कहेंगे कंप्रेसर, जो उसे क्या करेगा नचाएगा। अब ये ना कंप्रेसर होता है बहुत मेन चीज, एसी का सबसे मेन चीज कौन सी है, कंप्रेसर, जो उसे जो हवा को खींच तान के नचा रहा है आगे पीछे कर रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फ्रियॉन गैस, गैस नहीं रहेगा तो पंखा किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा आपका पंखा भी एसी का काम कर सकता है लेकिन फिर वो धोधड़ हो जाएगा पंखा, बहुत भयानक पंखा धोधड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये पंखा है इसके पीछे पंखी लगाइए, स्टैंड फैन कर रहे हैं,
और इसके आगे बड़का बड़का पाइप लगा दीजिए, किस चीज का? फ्रियोन गैस, हवा टकरा के क्या हो जाएगी? ठंडा हो जाएगी। लेकिन पंखा का वेट समझ रहे हैं कितना हैवी हो जाएगा, पंखा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। आप आगे इसको देखिए, ये एसी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? एसी आर्द्रता मेंटेन करता है कि नहीं करता? एसी आर्द्रता को मेंटेन करता। सब लोग एसी अफोर्ड करेंगे? नहीं। तब हम लोग काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक पंखा लगाते हैं ऐसे, ठीक है, कूलर बनाते हैं। देखिए ये बन गया कूलर, और इसके पीछे ना बोरा भिगा के रख देते हैं। क्या रखते हैं? बोरा, जूट वाला, जो ठंडी के दिन में पैर और पोछा जाता है। इसके तीनों ओर बोरा बिछा के रख देते हैं, और नीचवा ना एक पानी का टंकी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पानी का टंकी। और इसमें एक छोटा साइज का मोटर लगा देते हैं, वो पनिया को ऊपर ले आकर फेंक देगा। इसमें से पनिया क्या करेगा? ऊपर फेंकेगा। जैसे पानी ऊपर फेंकेगा, सारा बोरा भीग जाएगा, और भीग के फिर वापस कहाँ जाएगा? नीचे, जो एक्स्ट्रा पानी है नीचे। और ये पूरा का पूरा बोरा भीग जाएगा, पूरा का पूरा बोरा भीग जाएगा। अब कूलर जो होता है, इस साइड में भी दीवाल, इस साइड में दीवाल, पीछे भी दीवाल, फेंकेगा आगे, और दीवालवा के पास लगा दिए आप बोरा, इधरों बोरा, इधरों बोरा, इधरों बोरा। अब पानी लगा दिए, मोटरवा पनिया को बार बार ऊपर फेंक देगा। पानी को कहाँ फेंक देगा? ऊपर। बोरा भीग गया। अब जब ये पंखा चलेगा तो जो हवा खींचेगा दहिने से, बाएं से, पीछे से, उसके रास्ता में है बोरा। अब बोरा भीग गया है तो आपको हवा के साथ साथ ठंडा ठंडा पानी भी फेंक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर बोरा सूख गया तो पंखा, सूख गया तो पंखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूख गया तो किसी को दिक्कत? एक भीगना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे मोहल्ला में, तो एक मोहल्ला का बहुत बूढ़ा आदमी खचरा था, तो करा हम लोग को क्रिकेटवा खेलने से काजने का दुश्मनी था। अरे यार तुम बूढ़ा आदमी हो, तुम अपना काम करो। हम लोग छोटे छोटे थे, खेलने ही नहीं देता था। आके एक दिन विकेटवा उकटवा तोड़ दिया, पकड़ लिए, तुम लोग सोना बैठना हराम किया रहता है, बैठवा तोड़ दिया। हम लोग क्या करे लोग, ससुरा तुम दिमाग जर गया मेरा। वो अपने रूम में लगाया था कूलर, और कूलरवा का मशीनवा रखा था बाहर। महीन धूरा गर्दा लाए, धूरा गर्दा एकदम महीन साइज का, 2 दिन का हम लोग समय लिए थे, भले 2 दिन समय ले जाए, क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे हम। एकदम महीन साइज का गर्दा, धूरा, बड़का बड़का नहीं, एकदम धूरा, और उसको चाल के एकदम बढ़िया से, एकदम पाउडर जैसा धूरा लाए लोग, रात बढ़िया से ले आकर ले, पूरा बढ़िया से रख दिए। और बेचारा जब कूलर चलाया ना, पूरा रूम में गर्दा गर्दा भर गया था। ये कूलर किस सिद्धांत पे काम करेगा? मतलब इसके पीछे क्या भरा हुआ है? कूलर के पीछे जूट का बोरा। अब उसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, जूट का बोरा लगाइए या कुछ भी लगाइए, वहां पे चिरकुट उरकुट लगा दीजिए यहाँ पे, लेकिन भीगते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? भीगते रह। अच्छा, कूलर का ही मोटरवा खराब हो गया ही तो पानी पहुंचाएगा? तो मोटर 200-300 रुपये का आता है कूलर का, उसका पावर ज्यादा नहीं रहता है, पनिया ऊपर ले आके फेंकता है और पानी चारों ओर फैल जाता है। खोल दो गेट, खोल दो, बहुत थोड़ा सा हवा है। आगे बढ़े। पटना जैसा शहर में 1 घंटा लाइट काटता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटना जैसा शहर में काट देता है। आप बचपन में बदमाश थे? नहीं रे, सुपर बदमाश। आज भी गांव में ना मिसाल दिया जाता है हम लोग के यहाँ पे, गजब इंसो का एक जमाना था यहाँ पे, हड़कम मचा के रखे थे लोग। उस समय मोबाइल उबाइल नहीं होता था ना, सारा लड़का गांव का एक वटेगा, लट्टू खेलेगा, कोनो को पैरवे पे मार देगा, लट्टू धाय दे घोपा गया अंदर। ये समझ में आ गया पंखा? किसी को दिक्कत? कूलर समझ में आ गया? और पंखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हवा की स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि जब हवा को आप फैला के दीजिएगा तो हवा गर्म रहेगी, जैसे बाका मुंह खोल के फेंकेंगे इसे तो गर्म रहेगा, आप पतरा मुंह करके फूकिए ठंडा ठंडा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस स्पीड बढ़ा देता है, जैसे हवा को स्पीड बढ़ाएंगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है यहाँ पे। तो पंखा तो कुछ करता नहीं है, चुपचाप टांग दीजिए, चलते रह रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो पंखा केवल टेम्परेचर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। हमें आर्द्रता कितनी चाहिए? 60%। जो कौन मेंटेन कर सकता है? एसी। आर्द्रता कौन मेंटेन कर सकता है? एसी। तापमान कितना चाहिए? 20 डिग्री। तापमान कितना चाहिए? 20। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। एसी जो होता है आर्द्रता भी मेंटेन कर देता है,
तापमान भी मेंटेन करता है, कूलर भी तापमान भी मेंटेन कर देता है, आर्द्रता भी मेंटेन कर सकता है। एक होती है वायु स्पीड, वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट, यानी हवाएं हमें बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं चाहिए, हमें हवाएं चाहिए धीमी रफ्तार से, बहुत ज्यादा रफ्तार से हमें हवा नहीं चाहिए। जो कूलर मेंटेन नहीं कर पाता, जो पंखा मेंटेन नहीं कर पाता, हवाओं की स्पीड हमें चाहिए कितना, 2 मीटर प्रति मिनट, प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट, यानी यहां से यहां हवा जाए एकदम धीरे धीरे धीरे। इसे कौन मेंटेन करता है, एसी। कौन मेंटेन करेगा, एसी मेंटेन करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन मेंटेन करेगा वो, एसी। तो सबसे महंगा कौन आता है, एसी, क्योंकि एसी ने इन तीनों को मेंटेन कर दिया। एसी किसे मेंटेन कर दिया, तीनों को, नमी मेंटेन कर दिया, तापमान मेंटेन कर दिया, और वायु गति भी मेंटेन कर। कूलर कितने को मेंटेन किया, 2, वायु गति को मेंटेन नहीं कर पा, मारेगा कूलर के आगे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पेपर वर्क, पन्ना वन्ना उलाट के फेंक देगा, एन्ने का उन्ने फेंक देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और पंखा ना आर्द्रता को मेंटेन कर सकता है, ना वायु गति को, केवल किसको, तापमान। तो पंखा मिल जाएगा 1500 का, कूलर मिलेगा 5000 का, एसी मिलेगा 50000 का, समझ में आ गया। अब वो भी डिपेंड करेगा कमर्शियल एसी, नॉर्मल एसी, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, उस पर भी आपको क्या होगा, डिपेंड करेगा। एसी की क्षमता को टन में नापते हैं, एक कमरे के लिए अमूमन 1 टन की एसी ठीक होती है, कितने की, 1 टन की, एक कमरे में। उसकी 1 टन बराबर होता है 1600 कूलिंग वाट। अभी यहां जो लगा हुआ है सब 2-2 टन का है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब कितने टन का है, 2 टन। इतनी बड़े एरिया में एसी काम नहीं करता है, इतना एरिया बड़ा है, इतनी हवाएं हैं, इतना आदमी के यहाँ से क्या हो रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, हर सांस छोड़ने पे उसका गर्मी क्या होता है, शरीर का बाहर जाते रहता है। अब उसको एसी पकड़ पकड़ ठंडा कर रहा है, एसी घुसिया घुसिया बोलता होगा, कई गो आदमी घुसल रहे इसमें नहीं पूरा कंफ्यूज है कि कौन है रे, सोचा तू नहीं यहाँ पे, हाँ कोनो सिगरेट उगरेट तो नहीं धुक रहा है इतना एसी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, महंगा होता है एसी यहाँ पे। 2 टन का एसी बहुत हैवी हो जाता है, 2 टन की एसी घर में लगाइएगा तो जिन जना सूतेंगे सीधाने कपार पकड़ लेगा उनका, हवा बड़ी तेज फेंकने लगता है वहाँ पे, 2 टन का वो हैवी हो जाता है। 1 टन का ले जाना है, आप लोगों को कितना टन का ले जाना है, हाँ 1 टन का, ठीक है। गाँव में ब्याह कीजिएगा ना तो दुल्हन सब का जो बक्सा खुलता है ना उसमें 25 गो बेना निकलेगा, पहले इसे रुमाल निकलेगा 200, कोना पे एगो फूल बनल रहेगा गुलाब का, ऐसे मतलब कढ़ाई भी नहीं करके, दुका दुका दौरी निकलेगा हर साइज का, एगो इतना बड़का फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, दुका दुका ऐसे। ये सब चीज कोनो काम कराता है जी, एसी कितने चीजों को मेंटेन कर सकती है, आर्द्रता, तापमान, वायु गति। कूलर कितने चीज, 2, आर्द्रता और तापमान। पंखा, हाँ तापमान। हम लोग को सबसे अच्छा कब लगेगा, जब आर्द्रता हो 60%, तापमान हो 20 डिग्री, और वायु गति हो 2 मीटर पर सेकंड। एसी तो इधर खोज हुआ है 50-60 साल पहले, पहले एसी नहीं था, और ट्रेन में एसी की जगह पे तो उसके नीचे ना बर्फ का वो रखा जाता था, बड़ा बड़ा सिल्ली, उसको कंपार्टमेंट में जगह बनाया रहता था बर्फ का जगह। आज से 100 साल पहले तो एसी नहीं था, लेकिन मानो तो आज से 1000 साल भी पहले था, 2000 साल पहले, उसे उस समय भी 60% आर्द्रता थी, 20% टेम्परेचर, वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। इस ये व्यवस्था में सबसे अच्छा शरीर के लिए होता है, आप ये ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको सुबह 4-5 बजे के आसपास। उस समय आर्द्रता हो जाती है 60%, तापमान हो जाता है 20%, वायु गति हो जाती है 2 मिनट, आराम से हवा चलेगी। तो बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सुबेरे उठ के पढ़ाई करो, यहाँ पर समझ में आ गया, शरीर के लिए ठीक होता है। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी, समझ में आ गया, 2 घंटा पढ़े के चक्कर में 22 घंटा नाश हो जाएगा आपका। आपका जब मन करे तो पढ़ाई कीजिए, आपका मन आप 23 घंटा सोना चाहते हैं तो 23 घंटा सो जाइए, 23 घंटा सो ही नहीं पाएंगे। नींद लेना एक नेचुरल चीज है, आपको नींद नहीं आएगी तो जबरदस्ती नहीं सो सकते, और जब आ गई नींद तो जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते। तो अपने बॉडी को एडजस्ट कीजिए कि 7 से 8 घंटा आप लोग सोइए, कोई समझौता नहीं, 7 से 8 घंटा सोइए, उससे कम नहीं सोइए। अभी आप लोग यंग एज में है ना,